नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं आपको बता दूं, अपनी जो मेरी एक कार है टाटा इंडिका विस्टा डीजल, इसमें मुझे थोड़ा पिकअप कॉस्ट समझ में आ रहा है कि गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले रही है। आपने जितनी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं बताता रहता हूँ कि कैसे क्या करना है, किससे पिकअप बढ़ेगा, किससे माइलेज बढ़ेगा, गाड़ी एकदम से मतलब ऐसे तो नहीं है कि चल नहीं रही है, गाड़ी बढ़िया चल रही है पिकअप, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिकअप का लॉस हो रहा है। तो चलिए इसको चल के फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैं ऑन द वे हूं और मैं गाड़ी की टेस्टिंग कर रहा हूं। मैं जब गाड़ी कम गियर में रहती है तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रही है, और ये सर्विस करवाने के बाद लगभग मेरी गाड़ी चल चुकी है 3,000 से 4,000 किलोमीटर चल चुकी है सर्विस करवाने के बाद। चलिए थोड़ा इंजन देखेंगे, गाड़ी की वॉशिंग करवाएंगे, इंजन भी वॉश करेंगे कि जो पिकअप मुझे कम लग रहा है उसका मैं इंजन में अभी क्या है कि इंजन में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वही सब चीज चेक करूंगा और गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा आपसे। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं अब रेगुलर अपडेटेड रहूंगा वीडियो में, अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा आपके जितने भी कमेंट्स हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि आप गाड़ियों का रिव्यू करिए, बिल्कुल करेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल रिव्यू भी करूंगा। और नई गाड़ियां भी जितनी आ रही है सबके बारे में अच्छे से पता है कौन कैसी है गाड़ियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल डिफरेंट माइंड टेक को सब्सक्राइब भी करिए और सपोर्ट अपना बना के रखिए। अपने डेस्टिनेशन जहाँ की संदीप वॉशिंग सेंटर है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैंने गाड़ी का बोनट खोल दिया है और जो मैंने फाइंड आउट किया है इसमें जो पिकअप लॉस का प्रॉब्लम है कि जैसे टर्बो वाली पाइप है इसके ऊपर एक क्लिप लगी हुई है, अगर ये ढीली है तो यहाँ से जब एयर आती है टर्बो की तो यहाँ से लीक कर जाएगी और कंबसन चैम्बर में उतना अच्छे से एयर नहीं जा पाएगी, जिस वजह से गाड़ी हमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी और माइलेज भी ड्रॉप हो सकता है। तो इस साइड की क्लिप अच्छी खासी लगी हुई है, आप देख सकते हैं पाइप, लेकिन उस साइड की नहीं लगी हुई है। और इंजन बहुत दिन हो गए वॉश किए हुए, तो मैं अभी इंजन को वॉश भी करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्बो का ही ये ऑयल आया हुआ है मात्र इस क्लिप की वजह से, क्योंकि ये पाइप अच्छे से लगी हुई नहीं है। ये देख सकते हैं क्लिप ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से पूरा पावर लॉस हो रहा था और हमें समझ में आया गाड़ी चला के, और काफ़ी दिन हो गए थे गाड़ी का बोनट नहीं खोला तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दिक्कत कहाँ से आ रही थी। अभी आप देख सकते हैं इंजन वे में पूरे पानी मार दिया है हमने, और अब इसका लुक आप देख सकते हैं एकदम साफ सुथरा इंजन दिख रहा है और इसमें अब काम करने में मजा आएगा जो भी है। चारों तरफ पानी मारने के बाद अब इसमें शैम्पू लगाया जाएगा। तो जितने लोगों का कंसर्न था कि अगर हम एग्जॉस्ट में पानी डालते हैं तो इससे होता यह है कि गाड़ी में इंजन सीज होने का डर है, इंजन तक पानी पहुंच जाएगा और हमारा जो एग्जॉस्ट है उसमें रस्टिंग हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं नहीं होगी, क्योंकि यहां से आप ऊंचाई देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, गाड़ी रैंप में है तो जो पानी है पूरा नीचे की ओर ही आ जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आपने देखा मैंने एग्जॉस्ट में फिर से उसी तरह करवाया, लेकिन आपको बता दूँ एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इससे दिक्कत होगी नहीं, कई बार मैं कर चुका हूँ। और जब मैं कुछ चीज़ कर लेता हूँ इसके बाद ही मैं अपने में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसके बाद ही आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से कोयला निकला है। तो ढोलकी का है, इसको आप खोल के क्लीन भी कर सकते हैं, केरोसिन डीजल पेट्रोल किसी भी चीज़ से ये जाम हो जाती है अगर मान लीजिए स्मोक के द्वारा। तो इतनी पुरानी गाड़ी में हालांकि दिक्कत होने वाली कुछ नहीं है, मैं कई बार कर चुका हूँ। मैट के बारे में बोलूं तो ये मैट बहुत अच्छी होती हैं, इनको नूडल मैट बोला जाता है और ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होती, कम से कम 2-3 साल लगे हुई हैं। तो ड्राइवर साइड वक्त थोड़ा सा ख़राब हुई, बाकी साइड की आप देख सकते हैं जो मतलब को पैसेंजर और रियर सीट वाले हैं बिल्कुल भी एकदम से सही है। तो नूडल मैट आप लगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है। मैट के बारे में आपको बता दूँ, बहुत सस्ती आती है। तो चलिए अब जो क्लिप निकली हुई है टर्बो से, जो पाइप आती है हमारी इंटरकूलर में, यहाँ से टर्बो से एयर जाती है इंटरकूलर में, इंटरकूलर से एयर फिर जाती है हमारे कंबसन चैम्बर में। तो जब ये क्लिप ढीली है तो यहाँ से एयर लीक कर रही है, जिस वजह से यहाँ से हमें पावर लॉस का थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि पावर लॉस हो रहा है या पिकअप लॉस हो रहा है। यहाँ से थोड़ा ऑयल भी आता है, तो उतना तो ऑयल नहीं आता क्योंकि टर्बो नया डला हुआ है। तो इसको कुछ नहीं, अब उस क्लिप को हम पहना के उसके ऊपर टाइट कर देंगे तो यहाँ से एयर लीक होना बंद हो जाएगी और हमें अच्छा पावर एंड परफॉर्मेंस मिलेगा। और इंजन को हम आपको स्टार्ट भी करके दिखाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट था कि इंजन में पानी मारने के बाद, साइलेंसर में पानी मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है। तो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए 8 की गोटी लगती है, तो गोटी अभी मेरे पास है नहीं क्योंकि वो गुम गई है, तो मैं इसका स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ फ्लैट हेड। अब इस क्लिप को मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है और अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रही है और यहाँ से अच्छे से एयर अब जाएगी इंटरकूलर में, बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी और इसके बाद हमारे कंबसन चैम्बर में अच्छी एयर जाएगी, जिस वजह से गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आपको बता दूँ गाड़ी धुलाते मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे हो गए क्योंकि मैं इंटीरियर एक्सटीरियर सब आराम से धुलवाया, तब तक मैं आप देख सकते हैं जो इंजन वे का पानी है वो पूरा मतलब सूख चुका है। अब इसको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेरा मोटिव ये नहीं रहा इंजन में आप पानी ही मारिए। आजकल की जो गाड़ियां हैं काफ़ी इलेक्ट्रिकल सेंसर वाली, ये भी सेंसर है इसमें भी, लेकिन उतना ये नहीं है क्योंकि BS3 है और आजकल की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सब BS6 आ रही हैं, तो BS6 में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर उसमें ज़्यादा आप पानी मारेंगे। हालांकि सब में मारते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जितना ज़्यादा मैं मारता हूँ उतना अगर पानी आप इसमें स्प्रे कर देंगे BS6 गाड़ियों में तो दिक्कत हो सकती है। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि पानी भी सूख चुका है, तो जो जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हो तो उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, बाकी मैं तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होती। और एग्जॉस्ट में से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या निकलता है। तो स्टार्ट का तो प्रक्रिया आपको पता ही होगा, तो स्टार्टिंग की जो मेथड है वो मेरी गाड़ी का चेंज हो चुका है, अभी पुश स्टार्ट बटन से स्टार्ट होती है और चाबी से स्टार्ट नहीं होती, इसको मैंने इसका मेथड चेंज कर दिया है। अभी गाड़ी एकदम से क्लीन हो चुकी है, क्लीन करवाने के बाद यहाँ का आप ओवरव्यू देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे चालू हो गई और कार को कर दिए न्यूट्रल, और इसके बाद हम करते हैं एक बार इसको फिर से इग्निशन मोड पे, ताकि इसका जो हीटर है अच्छे से वर्क कर दे। और हीटर की लाइट आप देख सकते हैं जा चुकी है, और इसके बाद अब हम करते हैं इसके पुश स्टार्ट बटन को प्रेस। कार स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही स्मूथली, और ये जो बैटरी का साइन आ रहा है एक्सीलेटर प्रेस करते ही चला जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कार स्टार्ट है, अच्छे तरीके से स्टार्ट है, और एग्जॉस्ट में भी आपको दिखा देते हैं। तो एग्जॉस्ट से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसमें से पानी निकल रहा है, तो अगर इसको हम रेस देंगे तो ये पूरा पानी निकल जाएगा और इसका जो कोयला भी है वो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही था आप लोगों को बताने के लिए, मैं दोबारा से पूरी प्रोसेस किया केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक बार एक्सीलेटर प्रेस करते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें से निकला है। अभी एक्सीलेटर प्रेस करने पर जितना एक्सीलेटर प्रेस करेंगे उतना ये निकलता जाएगा जब तक कूड़ा खाली नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।